पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा, जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए इतनी सहजता से सीटों का बंटवारा किया। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि एक बड़े जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का, उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी एक सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की, जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी एक सीट कम की, मांझी जी हो, उपेंद्र जी हो, हर किसी ने उनसे जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 2019 से ही कुर्बानी दी है। उस वक्त सिटिंग उन्होंने अपने 5 सांसद हटाकर इस गठबंधन को उस वक्त 2019 में एक मजबूत स्वरूप दिया था, और आज उससे ज्यादा मजबूत स्वरूप, उस वक्त जो साथी हम लोग के साथ नहीं थे आज वो भी हमारे साथ इस गठबंधन में मौजूद हैं, और अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।